Oh, shiny, 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 oh, shiny
نظم میں ایک اور بات اس طرح نے کی کہی شاعر مشرق نے کہا اپنے انداز میں کہ تمہاری تحریر اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. یہ کس زمانے میں ہوا؟ اس سے پہلے تو نہ ہوا. مشرق نے تو بہت کچھ کہا, ہم تو تھوڑا سا کہتے ہیں. شاید مشرق نے تو سال گن کے بتا دیے. سال سلطان باہو نے اس میں سب کے لوگوں کے سینے مرور کیے. 300 سال ہو گئے علامہ کے دور میں, کوئی اس میں ساتھ دینے والا نہ آیا تو کہا 300 سال سے ہی ان کے میں خانے ہیں. کی ہو سکتی ہے, کسی کے بعد سفید ہو سکتی ہے. ہاں ہاں, آپ کا غلط ہو
کوئی منہ پر نہیں ہوں گے. تین نمونوں پر کرو بچاؤ سے بچنے کے لیے تم نے سوچا ہے وہ گدے پہ بیٹھ کیا ہوگا تم پہچان لو گے تم نے سب کچھ ہے تو تم پہچانا جس کے لیے نبی نے کہا اٹھاؤ مشکو شریف کی جلد سے سفر نمبر 49 رسول اللہ نے کہا میری امت کے 70,000 ایسے لوگ جن کے سروں پہ ہری چادر پڑی ہوگی وہ بچہ کی پیروی کر لیں گے. اندازہ کرو حضور کہتے ہیں میری امت کے 70,000 ایسے اشخاص جن کے سروں پہ ہری چادر پڑی ہوگی بچہ کی پیروی کر لیں گے. اب بتاؤ ہری چادر کون ڈالے گا؟ دنیا دار کونسلر نہیں کوئی دین دار ہوگا. سروں پہ چادر ہوئی رکھتے ہیں تو دین والے ہوتے ہیں. رسول اللہ نے کہا 1,000 ایسے افراد ذکوریت مخص قرآن ہے. ذکوریت
مقصد دین ہے, ذکوریت اصل روحانیت ہے. اور اگر تم سمجھو کہ میں کہہ رہا ہوں تو حوالے اٹھاؤ. شہنشاہ شریعت قطب الدین بختیار تاکیے دن احمد اپنی مکتوبات میں لکھتے ہیں, جب میں نوافل پڑھتا ایک ایک ہزار رکعت پڑھتا, جب میں تسبیحات پڑھتا ساری رات پڑھتا, جب قرآن پڑھنے بیٹھتا ختم قرآن سے پہلے میں اٹھتا, دیگر نوافل بھی بے شمار کی, ذکوریت بھی اپنائی. پھر لکھتے ہیں قسم استاد کی جس کے قبضے میں قطب الدین بختیار تاکی کی جان ہے, جو فہر جو کمال جو مرتبہ جو نور مجھے اس میں ذات کے ذکر سے ملا کسی اور سے نہ ملتا. تم اس کو معمولی کا درتے ہو, تم اس کو حقیر سمجھتے ہو, جو اصل ہے اس کو تم نے نقل بنا دیا. ہاں صرف اس لیے کہ تم ان میں سے ہو. جب تم سے کہا گیا کہ پانی میں بجلی ہے تو تم نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, اگر بجلی ہے تو مچھلی اور میڈے مر جائے. لیکن جب انگریز آیا اس نے پانی سے بجلی پیدا کی تو تم نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے, سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو سکتا ہے. جانے والا گمراہ نہیں ہو سکتا. بات دور ہو جاتی ہے.
हमें कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको, आप मकानों पे लिखते हो ना, मोहम्मद बगर, मोहम्मद फैज, सलमान, मलक साहब, भट्ट साहब, चौधरी साहब, क्यों इसलिए लिखते हो? लोगों को पता चल जाए ये मकान फला का है, ढूंढना ना पड़े, परेशानी ना हो, और ये भी पता चल जाए कि भाई इसका वारिस है, लावारिस नहीं है, फ्लोरा तो छोटे छोटे पड़ जाएंगे, पेंट पेंट हो जाएगा, बारिश है इसमें कदम गैजर थे वो आए जो शहर हो, ठीक है ना, और जो लावारिस मकान है वो लावारिस इलाज है, चर्ची भी घुस जाएगा, हिरोची भी घुस जाएगा, चौकी भी घुस जाएगा, सत्यवाद भी घुस जाएगा, दुनियादार भी घुस जाएगा, मकान को विरासत बनाने वाले अल्लाह ने कहा कल में मोरू रसूला, कल में मोरू रसूला, इतना अजीम घर तुम लाखों छोड़े हुए हो, इस पर तुमने कभी अल्लाह के नाम लिखने की जस्तजू की, अल्लाह के नाम लिखने की अल्लाह की यही होता है, इन दिनों में कभी लड़की घुस जाती है, कभी लड़का घुस जाता है, कभी दौलत घुस जाती है, कभी इकतदार घुस जाता है, सिर्फ इसलिए इस पर अल्लाह का नाम लिखा नहीं है, इसके मालिक का नाम लिखा नहीं है, हर चीज में प्लेट काफी लिखता है और इस में प्लेट पे वही लिखता है, वो प्लेट जो रब ने लिखा हो उसको वही लिखेगा जिसको रब ने इख्तियार दिया होगा, सब तो कहा भाई बलि की अपना करीम आसान करीम रखो कीजिए कि तुम उसके पास चले जाओ, उससे कहो हुजूर आप अगर हुजूर के बारे में नहीं है अल्लाह का नाम लिख दीजिए, जाने जाना का नाम लिख दीजिए, मक्सूद के बराबर का नाम लिख दीजिए, उसका नाम लिख दीजिए जो जहाना का सरदार है, उसका नाम लिख दीजिए जिसके हाथ खलीफा है, अगर वो मक्सूद है नजर डालेगा कि दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाएगा, इस फिक्र की मुखालफत न करो, और वो हजरात जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं हम उनसे दस्तबरदार करते हैं, अगर वो हमें किसी मस्जिद से निकाल भी दे तो प्रॉब्लम, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए इसलिए प्रॉब्लम नहीं कि हम लोगों के साथ हैं, तुम यहां से निकालोगे घर में कर देंगे, घर से निकालोगे बाहर कर देंगे, अब्बा ने मारा किसी और चाचा के घर कर देंगे, चाचा ने निकाल दे किसी और कर देंगे, लेकिन जो जो निकालेगा वो अल्लाह के अज़ाब का शिकार होगा, इसलिए कि जहां अपने कुल के तमाम रास्ते रहमत का बचपन करा दिए है, अगर रहमतों की जगह रहमत वाला जिक्र तुम बंद करोगे तो रब ने सुने बचपन में कहा उससे बात का इलाज में कोई जालिम नहीं थी कि अल्लाह के घर में अल्लाह के जिक्र से भरा करते हैं, उसकी सोच पे जो अल्लाह के जिक्र से भरा करता है, अगर जमात हो रही हो कोई अल्लाह की वजह से सजाए तो उसको मना कर दो, इसलिए कि जमात की औलाद फर्ज है, लेकिन जमात की औलाद खत्म हो जाए तो किसी एक शख्स की नमाज के लिए जिक्र की सिवाय इबादत को बंद नहीं किया जाएगा, खाना काबा में तवाफ हर वक्त होता है, किसी एक शख्स की नमाज की वजह से बंद नहीं होता, हाँ बंद होता है इस जमात की औलाद के लिए, जमात की औलाद के पास इबादत को एक शख्स रोके ये जुल्म उठाएगा, इन नौजवानों की हौसला अफजाई करो जिनको गौशाही ने शराबखानों से निकाला है, गंदी खानों से बचाया है, पगडंडी से बचाया है, गंदी सोसाइटियों और मगरिब की सिर्फ क्रेटियों से निकाल कर उनको अल्लाह का दीवाना रसूल अल्लाह के नाम पर चंद मर मिटने का शौक दिया है, तुमने यहाँ रस्ते से भी देखे, तुमने यहाँ झूठने हुए भी देखे, ये गंदी शराबी के वस्त्र नहीं थे, ये हिरोइन के नशे में ना थे, बल्कि ये अल्लाह के नाम की मस्ती में मस्त थे, उन वस्त्रों को तुम
को करने दो, फिकर की नाफिलों को फरोग दो, अंजुमन सरसोशल इस्लाम का साथ दो। हमको मिलाद कमेटी नहीं है जो सवाब पर सवाब लेने के लिए तुम्हारे पास आए। हमको कहते हैं अल्लाह अगर सवाब की नाज में आए तो हमें सवाब मत देना। हम सवाब के लिए नहीं बल्कि तेरे महबूब के लिए आए। हम तो चाहते हैं कि शायरी राजी हो जाए, इसलिए कहते हैं कि गौर शायरी तेरा महबूब है, इसलिए कहते हैं कि गौर शायरी अपनी जवान उठाकर हमें याद रहा है हमारी जिंदगी और उसकी चीजों के लिए। अल्लाह हम उसको राजी करना चाहते हैं जिसने तुझे राजी किया, हम उसकी गुलामी चाहते हैं जो तेरा वली बना, हम उससे मोहब्बत करना चाहते हैं जो तुझसे मोहब्बत करता है। इसी पर इत्तेफाक करूंगा कि समझेंगे कि फिक्र अस्तार से हम दूर करेंगे रोशन, सर फरोशी और गुलामों ने कसम खाई है जुल्मत और शिर्क के, हम उसको गिरा डालेंगे। हमने मजहब के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। मैं अपने खुदा से कहता हूं राय पंजाब जनाबे मौलाना सईद अहमद कादरी साहब को तशरीफ लाए, जिक्र कर के जुमले में जिनको जिक्र लेना है वो यहाँ से कतार की सूरत में धीरे धीरे अल्लाह पढ़ते पढ़ते और बस मुझे गुजरे ताकि इसमें जिक्र दिया जा सके। बाकी और लोग खड़े होकर तो आपको सलाम के लिए अदब से खड़े हो जाए और जब आप सब सलाम पेश किया जाए एक ऐलान सुन लीजिए। आलमगीर रूहानी इज्तिमा अंजुमन सरसोशल इस्लाम का तारीखी और फलन इज्तिमा 7-8 सितंबर को कराची हैदराबाद से मुनक्किद किया जा रहा है।